वो कहते हैं ना कि मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, तो हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। आज हरियाणा की जनता के पास भी एक सुनहरा मौका है कि वे अरविंद केजरीवाल जी की सोच पर मोहर लगाकर एक मौका आम आदमी पार्टी को दे सकते हैं। हरियाणा की जनता ने लगभग सारी पार्टियों को ट्राई करके देख लिया, जजपा को भी, इनेलो को भी, भाजपा को भी, कांग्रेस को भी, और भी कई विकल्पों को वोट देकर देख लिया, लेकिन इन सारी पार्टियों ने कभी भी हरियाणा के हित में कोई काम नहीं किया। हरियाणा आज भी बेरोजगारी में नंबर वन है, अशिक्षा में नंबर वन है, गरीबी में नंबर वन है। इसीलिए मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि जब सबको ट्राई कर देख लिया और सारे विकल्प फेल हो गए, तो एक बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी ट्राई करके देख लो। जैसा कहते हैं मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश, मैं कहता हूं केजरीवाल को चुनने वाले ऑलवेज खुश। सर, भाजपा और कांग्रेस कहती है कि अभी तक आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई वजूद नहीं है। देखिए देखिए हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की इकाइयां जो ये बात कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है हरियाणा में, ये वही पार्टियां हैं जो 2015 में दिल्ली में कहा करती थीं कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, जब आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने बनाई। ये वही पार्टियां हैं जो पंजाब में 2022 में कहा करती थी कि आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है, और 2022 में पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई। तो ये आम आदमी पार्टी को अंडरडॉग समझ के हमेशा राइट ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जनता की नंबर वन पसंद है। देखिए हरियाणा की जनता के बीजेपी की हालत एक फ्लॉप अरविंद केजरीवाल जी की सोच फिल्म जैसी हो गई है। वो पिक्चर जो फ्लॉप हो जाती है, जिसकी टिकट कोई नहीं खरीदता और सिनेमा थिएटर खाली हो जाता है, लगभग सारी भारतीय जनता पार्टी की हालत हरियाणा में वैसी हो गई है। जजपा को भी आज बीजेपी घर जाकर अपने प्रत्याशी को टिकट दे रही है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन प्रत्याशी उनकी टिकट लेने से मना कर रहे हैं। ये वही बीजेपी है जिसकी टिकट हरियाणा में इतनी डिमांड होती थी कि ब्लैक में जाया करती थी। आज उस बीजेपी की हरियाणा में हालत एक फ्लॉप पिक्चर जैसी हो गई है, जिसकी टिकट कोई नहीं लेना चाहता। ट्राई कर देख लिया और सारे विकल्प फेल हो गए, तो एक बार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भी ट्राई करके देख लो। जैसा